हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है? सो डेट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि हमें दिखाना होगा कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम यहाँ फॉर्म होगा। तो हमें क्या करना होगा? तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल अनइक्वल होता है। तो हम लोग एक एक करके निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो जानते हैं, रूट अंडर क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर और प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। यदि एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू कोऑर्डिनेट दिए हों दो पॉइंट्स के, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल के लिए ना फॉर्मूला आता है। चलिए तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले ए बी देखते हैं, क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी के लिए क्या हो जाएगा। देखो यहीं से क्वेश्चन में से देख लो, 3 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 6 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, यानी आ जाएगा 68। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 17। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बी सी के लिए। तो बी सी क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी और सी के बीच का डिस्टेंस, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में 10 माइनस 6 का स्क्वायर। 5 माइनस 3 का स्क्वायर और 10 माइनस 6 का स्क्वायर, तो रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 20। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 रूट 5। ठीक है, चलिए 2 रूट 5 आ जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं सी डी की तरफ, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस 10 का स्क्वायर। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 प्लस का 64, यानी रूट अंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा 68, यानी आ जाएगा 2 रूट 17। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ए डी। ए डी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, आगे 2 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस का 16, यानी रूट अंडर 20, यानी आ जाएगा 2 रूट 5। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग अपोजिट साइड इक्वल दिख ही रहा है इसमें। और चलिए अब डायगोनल निकालते हैं, तो ए सी निकालते हैं। तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 10 माइनस माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 12 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाएगा 16 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 160 आएगा रूट अंडर 160 आ जाएगा। रूट अंडर 160 का मतलब हुआ यहाँ पर कितना, तो आपका हो जाएगा 4 रूट 10। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग बी डी डायगोनल को। तो बी डी निकालेंगे बी और डी के बीच का डिस्टेंस, तो देखो क्या होगा, 3 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस 6 का स्क्वायर। चलिए यहाँ आ जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रूट अंडर 16, यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपोजिट साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू में सी डी है और आपका बी सी इक्वल टू में ए डी है। ठीक है, बी सी इक्वल टू में ए डी है और यहाँ डायगोनल जो है आपका अनइक्वल है, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यही ना हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के वर्टेक्स है। तो हम लोग यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करने वाले हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, चलिए देखते हैं। यहाँ आपको बता रखा है मैंने, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले a और b के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ 2 माइनस 7 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर।
तो यहाँ आ जाएगा 9 + 25, यानी हो जाएगा यहाँ पर कितना, रूट अंडर 34। चलिए अब उसके बाद बी सी देखते हैं क्या होगा। बी और सी के बीच का डिस्टेंस -1 - 4 का स्क्वायर और फिर प्लस में -1 - 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √-5 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर। यहाँ जाएगा 25 + 9 यानी कि √-34 रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सी डी, सी और बी डी के बीच का डिस्टेंस -4 - 1 माने माइनस में प्लस हो जाएगा स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 - -+1 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा आपका ठीक है -3 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 9 + 25 तो √-34। ठीक है, फिर हम लोग ए डी को निकालते हैं, तो ए डी इक्वल टू में आ जाएगा √-4 - 1 का स्क्वायर और प्लस में 4 - 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, यहाँ पर 25 + 9 यानी कि √-34। तो चारों साइड इक्वल तो आ गए, डायगोनल भी निकाल के देखते हैं ए सी और बी डी। ए सी के लिए हो जाएगा यहाँ पे देखिए ए और सी के बीच का डिस्टेंस तो -1 - 1 का स्क्वायर और प्लस में -1 - 7 का स्क्वायर, यानी यहाँ आ जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस में -8 का स्क्वायर, तो यानी आ जाएगा यहाँ पर आपका 4 + आपका कितना हो जाएगा 64, √-68 यानी आ जाएगा आपका 2√17। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बी डी के लिए, तो बी डी के लिए हो जाएगा √-4 - 4 का स्क्वायर और प्लस में 4 - 2 का स्क्वायर। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा -8 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 64 और प्लस का 4 √-68 यानी आ जाएगा 2√17। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चारों साइड जो है इक्वल हो जा रहा है और डायगोनल भी इक्वल हो जा रहा है आपस में, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। हमें स्क्वायर ही ना प्रूव करना था, हमने स्क्वायर दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है, आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल भी होगा और दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये भी हमें दिखाना। हम कह रहे थे कि लेट द पॉइंट्स ए, लेट द थ्री पॉइंट्स बी, ऐसे लिख देते हैं, लेट द थ्री पॉइंट्स बी ए जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 3 0, बी जिसका कोऑर्डिनेट 6 4 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं यहाँ पर कितना -1 3, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग ए बी बी सी और ए सी निकालते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो पहले यहाँ डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, फिगर इसमें इसलिए नहीं बना पा रहा है ना क्योंकि हमें प्रूव करना है, हम लोग पहले से थोड़े जानते हैं कि वो है ही नहीं भी तो हो सकता है, तो और ये भी नहीं पता है कि कौन कौन सा वर्टेक्स होगा, कौन राइट वाला राइट एंगल वाला वर्टेक्स होगा, कौन नहीं होगा, कौन इसमें कौन सा साइड कितना बड़ा होगा, ये हमें कुछ नहीं पता, इसलिए हम लोग इसका फिगर नहीं बनाएंगे। x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ये ना होता है फॉर्मूला। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो चलिए सबसे पहले ए बी निकालते हैं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो हो जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 - 0 का स्क्वायर, अंदर आ जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी √-25 यानी ये 5 आ जाएगा। चलिए बी सी निकालते हैं, तो बी सी देखिए यहाँ हो जाएगा बी सी हो जाएगा -1 - 6 का स्क्वायर और प्लस में 3 - 4 का स्क्वायर, ठीक है -1 - 6 का स्क्वायर और 3 - 4 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर और फिर यहाँ -1 का स्क्वायर, 49 + 1 यानी कि √-50। तो √-50 का मतलब यहाँ पे हो गया, आप इतना ही रहने दो,
या फिर एक काम कर सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 5√2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ए सी देखते हैं। तो रूट अंडर ए और सी के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -1 -3 का स्क्वायर और प्लस में 3 -0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा आपका 16 + 9 √25, यानी ये 5 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि ये दो साइड ए बी और ए सी इक्वल हैं, एंड ये भी देख रहे हैं इसमें दो छोटे वाले यानी ए बी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर का सम जो होगा कितना हो जाएगा, तो 25 + 25 यानी 50 का मतलब 5√2 का स्क्वायर। 5√2 का स्क्वायर यानी कि ये किसके स्क्वायर के, यहाँ पे ये इक्वल हो जा रहा है ए बी और ए सी का स्क्वायर ना, मैंने बी सी गलती से लिख दिया, ए बी और ए सी ना है जी, तो ये हो जा रहा है आपके बी सी के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा और आइसोसेलस भी होगा, दो साइड इक्वल भी हो गए ना यहाँ पे, और आइसोसेलस भी हो जा रहा है क्योंकि दो के साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है। तो आंसर लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं कि द पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट दिए हैं देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट है, 3064 -13 पॉइंट्स, 3064 and -1, 3 आर वर्टिक्स ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, प्रूव डैट ये 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है और इसका एरिया भी फाइंड करना है इस ट्रायंगल का और लेंथ ऑफ हाइपोटेनस भी बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि लेट द थ्री पॉइंट्स बी, कौन कौन से पॉइंट है, ए जिसका कोऑर्डिनेट लेते हैं 2 -2, बी जिसका कोऑर्डिनेट -2, 1 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 5, 2, ये 3 पॉइंट्स हैं। चलिए तो हम लोग अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप तो जानते ही हैं, रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके पहले निकाल लेते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। तो रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे क्या, -2 - 2 का स्क्वायर प्लस में 1 - -2 का, 1 - -2 तो +2 हो जाएगा, यानी अंदर देखिए यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 + 9 यानी कि √25 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बी सी निकालते हैं। तो रूट अंडर 5 - -2 तो +2 हो जाएगा और फिर 2 - 1 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 49 और प्लस का 1 यानी √50, इसको आप 5√2 लिख सकते हैं। चलिए अब ए सी देखते हैं, तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √5 - 2 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, देखो 5 - 2 का स्क्वायर और फिर प्लस में 2 - -2 यानी प्लस हो जाएगा, 2 - -2 यानी +2 आ जाएगा यहाँ पे कितना, तो √3 + 4 तो यहाँ आ जाएगा 9 + 16 √25 यानी कि ये 5 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर यानी 5 + 5 यानी 25 + 25 50 यानी आ जाएगा ये 5√2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपके किसके स्क्वायर के इक्वल टू में, बी सी के स्क्वायर के इक्वल टू में। तो BC के स्क्वायर के इक्वल टू में होता है, ये लेंथ ऑफ हाइपोटेनस यही हुआ, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस का पूछ रहा था ना जी, हाइपोटेनस क्या है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, तो ये आपका आ जाएगा 5√2। अच्छा एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वह 1/2। तो अच्छा ये हाइपोटेनस बी सी हो रहा है, तो आपका बेस और हाइट ए बी और ए सी हो जाएंगे, ए बी इंटू ए सी यानी 1/2, 5 × 5
25 बाई 2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये थ्री पॉइंट दिए हैं, आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स है, ये थ्री पॉइंट। तो हम लोग ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2a, 4a, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2a, 6a एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 2a+√3a और फिर 5a, ये दिया हुआ है, आर थ्री पॉइंट्स। थ्री पॉइंट्स है। तो अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मल निकाल लगा के ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी की बात करते हैं, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2a-2a का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 6a-4a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2a का स्क्वायर, यानी कि ये 2a आ जाएगा, है ना जी, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अच्छा बी सी निकालते हैं, बी सी हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 2a+√3a-2a का स्क्वायर और फिर प्लस में 5a-6a का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2a से 2a का √3a का स्क्वायर आ जाएगा 3a² और प्लस में यहाँ a स्क्वायर, यानी आ जाएगा √4a², यानी ये भी 2a आ गया। अच्छा ए सी निकालते हैं, तो ए सी जो होगा यहाँ ए और सी के बीच का डिस्टेंस देखिए क्या होगा, 2a+√3a-2a² और फिर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5a-4a² यहाँ देखिए आपका 2a से 2a गया, यहाँ √3a² यानी कि 3a² हो जाएगा और प्लस में a स्क्वायर, यानी आ जाएगा √4a² यानी ये आ गया 2a। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों इक्वल है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि द पॉइंट्स 2a, 4a, 2a, 6a एंड 2a+√3a, 5a आर द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये वर्टेक्स हो जाएगा। समझ गए, हमने यहाँ प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ट्रायंगल को फॉर्म नहीं कर देते हैं। लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, बी जिसका कोऑर्डिनेट है -4, -6 और सी जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 3/2 आर थ्री पॉइंट्स। ये आपके पास थ्री पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये थ्री पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ दिखाना है कि ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते, तो हम लोग क्या करेंगे, साइड निकालते हैं और दो साइड का सम जो होगा हम लोग देखेंगे कि तीसरे साइड से ग्रेटर हो रहा है कि नहीं, उसी समय पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, -4, -2 का स्क्वायर और प्लस में -6, -3 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर -6 का स्क्वायर और प्लस में -9 का स्क्वायर, ठीक है, यानी आ जाएगा यहाँ पर 36 और यहाँ 81, 36 हो जाएगा और 81, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा 117, ठीक है, यानी कि आ जाएगा आपका 3√13। अब बी सी निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 1 -4 तो प्लस हो जाएगा और फिर 3/2 -6 तो +6 हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर और प्लस में या कितना हो जाएगा एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 15/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 25 प्लस का आपका 225/4, ठीक है, 225/4, तो यहाँ एलसीएम होगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ 225। तो आप इसे देखोगे तो ये रूट अंडर ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 325 और बाई में 2, है ना जी। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये ऊपर जो होगा ऊपर वाला यह हो जाएगा 5√13
और बाई में यहाँ टू है ना जी। अब अगर हम लोग बात करें, अब ये बीसी हो गया, अब इसके बाद बात करते हैं एसी की। तो रूट अंडर ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वन माइनस टू का स्क्वायर और प्लस में थ्री बाई टू माइनस थ्री का स्क्वायर। ठीक है, वन माइनस टू का स्क्वायर और थ्री बाई टू माइनस थ्री का स्क्वायर, या माइनस वन का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, तो माइनस का थ्री बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, माइनस थ्री बाई टू ही ना आएगा जी, एलसीएम लेंगे सिक्स में, थ्री में से सिक्स गया आपका माइनस थ्री बाई टू। चलिए देखते हैं, तो रूट अंडर वन प्लस का नाइन बाई टू, नाइन बाई फोर ना, यहाँ फोर एलसीएम हो जाएगा, तो फोर प्लस का नाइन यानी रूट अंडर थर्टीन और बाई में टू। तो अब आप इसमें देखो, ये थर्टीन बाई टू यानी इसे आप वन बाई टू रूट थर्टीन लिख सकते हैं। तो आप इसमें देखो कि इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि ए सी और बी सी को ऐड कर देंगे तो इन दोनों का सम कितना होगा आपका आ जाएगा, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा सिक्स बाई टू यानी थ्री रूट थर्टीन आ जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा ए बी के, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, है ना, है ना। और चूंकि हम लोग यहां जानते हैं कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो उसके इक्वल हो जा रहा है ना, तो हमें यहाँ ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये इक्वल हो जा रहा है, तो इसलिए आप हैंस हम लोग कह सकते हैं कि द पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो है पॉइंट्स टू थ्री माइनस फोर माइनस सिक्स एंड वन कॉमा थ्री बाई टू, वन कॉमा थ्री बाई टू डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल फॉर्म्ड नहीं करते हैं, समझ गए, ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चंस को। आपको हमारे तीन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।